नीचे कितने अच्छे धुन के साथ, कितने अच्छे सुर के साथ हमारे इंडियन आर्मी ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है कि देख के अंदर से प्राउड फील होता है। इसलिए इंडियन आर्मी में इतना भी दम है कि किसी भी देश को किसी भी तरीके से किसी भी परिस्थिति में भेज सकते हैं। हमारे इंडियन को जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अपने इंडियन आर्मी को सलूट करते ही और एक अच्छे तरीके से जो है करवाएंगे, अपने ऑडियंस को दिखाएंगे कि सर हमारे जो है एक जो है ये गन का नाम है X95 राइफल। श्री मंजीत सर हमारे ऑडियंस को ये बताएंगे इस गन के बारे में एक अच्छी से जानकारी देंगे कि इसको किस तरह से ऑपरेट करते हैं, ये कहाँ से बनी है, ये जो ऑपरेट करने के कितने तरीके हैं। टेक्निक मंजीत सर वेलकम हमारे चैनल में, तो आप बताइए हमारे ऑडियंस को। सर इसका नाम है X95। X95 एक इसराइल की सीरीज है, ये इसराइल वेपन इंडस्ट्री जिस कंपनी ने इसको बनाया है, इसराइल की सर इसराइल वेपन इंडस्ट्री, इसराइल ने इसको 2003 में बनाया है और इंडिया के अंदर ये 2010 में आया। अभी ये वेपन सिर्फ और सिर्फ CRPF के पास, CRPF को इंटरनल सिक्योरिटी करनी पड़ती है, बाजार में भी करनी पड़ती है, पार्क में ड्यूटी करनी पड़ती है, VIP के साथ भी रहना पड़ता है। तो ऐसा छोटा वेपन जिसको कैर करना आसान हो, गाड़ी में चलान लेना आसान हो, इसीलिए इसको ज़्यादातर ये CRPF के पास है और अभी किसी फोर्स के पास नहीं है। और सर इस वेपन को हम दिन में और रात में दोनों तरह फायर कर सकते हैं, इसके अंदर 2 सेल लगे हुए हैं और इसमें इंफ्रारेड से हम रात में देख सकते हैं और लेजर लाइट जैसे हॉलीवुड की फिल्मों में आपने देखा होगा, तो सर इसमें हम निशाना लगाने के लिए ना पॉइंट कर सकते हैं। ये देखिए ये सर जो है पॉइंट करके बता रहे हैं कि हम जो पॉइंट के हिसाब से जो शूट कर सकते हैं जो हमारे सामने जो भी क्रिमिनल हो, ये पॉइंट के हिसाब से आप देख रहे होंगे लेजर लाइट। हाँ जी सर आगे बताइए आप। इससे सर फायदा ये होता है कि अचानक हमको दुश्मन दिखाई दिया जी, तो हम लेजर मार के उसको बगैर एम लिए फायर कर सकते हैं। इसका सर जहाँ लाइट लगेगी वहीं पे लगेगा ज्यादा। इसकी सर मैगजीन में 30 राउंड आते हैं, अगर हम इसको कंटिन्यू राउंड दे सकें तो ये 1 मिनट में 1000 राउंड तक फायर कर सकते हैं जी। फायर होने 1 मिनट में 1000। हाँ सर, फायर होने बाद इसकी गोले की निकलने की रफ्तार होती है 860 मीटर पर सेकंड। अच्छा हाँ सर, 800 मीटर तक इसकी रेंज है, 400 मीटर पर एकदम पॉइंट पे इसको हिट कर सकते हैं। कितनी गोली होती है सर इसमें? सर 30 राउंड आते हैं। 30 राउंड हाँ सर, एक मैगजीन में 30 राउंड आते हैं सर। मैगजीन कैसे इसको शायद इसलिए दिया गया सब चीज़ों नज़दीक ताकि आपका टाइम फास्ट से फास्ट करे उसको, इसलिए हम यहाँ से है मैगजीन है मैगजीन आराम से इसके अंदर सेट कर सकते हैं। इसको हम सिंगल शॉट भी फायर कर सकते हैं और ऑटोमेटिक फायर कर, दोनों सेलेक्टर हमारे थंब के पास होते हैं ताकि जिस तरह का फायर करना हो हम तुरंत इस थंब को चेंज करके हमारा फायर अपने हिसाब से ऑपरेट कर सकते हैं। हाँ सर ऑपरेट कर जी सर, छोटा वेपन है इसीलिए VIP सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर ये बहुत बड़ी है। जैसे कि हमारे श्री मंजीत सर ने हमारे ऑडियंस को इतनी अच्छी तरीके से बताया, यहाँ की जनता को इतनी अच्छी तरीके से बताया कि हम इस गन को कितने अच्छे तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। सर ने बताया कि एक बार में इसमें 30 राउंड भरे जाते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन इसमें क्या एक लेज़र लाइट है जो कि आप मान लो कि आपको कोई दिख नहीं रहा रात में, लेकिन लेज़र लाइट के थ्रू हम उस पर एक ऑटोमेटिक तरीके से निशाना साध के अपने दुश्मन को हिट कर सकते हैं। तो ये सर मंजीत सर हैं जो हमें बहुत अच्छे तरीके से हमारे ऑडियंस को बताएं। जय हिंद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कितने अच्छे एकदम वैसे मान लो एकदम से गला से बैठ जाता है ये सुन के और बंदा इमोशनल हो जाता है कि यार एकदम से मैं मेरे पास कुछ वर्ड नहीं है बोलने के लिए अपने इंडियन आर्मी के साथ। कितने अच्छे तरीके से उन्होंने एक मिसाल पेश की है, एक अच्छे सुर और धुन से रूबरू करवाया हम लोगों को, कसम से मज़ा आ गया। सलूट है हमारे ऐसे इंडियन आर्मी को। हम आपको आज अपने ऑडियंस में दिखाते हैं इसका नाम क्या है गन का? SLR। अच्छा 300 गज इसका 220 राउंड आते हैं, चलाने बहुत अच्छी है एसी है प्लास्टिक और मतलब कोई आई है सर हम वजन ज़्यादा नहीं है, अच्छे से हम इसको जो है ऑपरेट कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं अच्छे तरीके से। इसमें गोली कहाँ डलती होगी? अच्छा अच्छा 50 ग्राम पूरा वजन 5 किलो 50 ग्राम 5 किलो 50 ग्राम 5 किलो 50 ग्राम और इसको सबसे पहले जो है सिंगल राउंड फायर करती है मिसाइल का और बहुत अच्छा इसका फायर होता है, मतलब एक सटीक निशाना लगता है। दूरी के लिए भी अच्छी है बता रहे हैं आप, 200 गज सब चीज को लगाने में फायर करने में हर चीज से हेल्पफुल है कि जो है एक आसानी तरीके से हम इसको
ऑपरेट कर सकते हैं और अपने दुश्मन को भेज सकते हैं। जैसे कि हम आपको बताना चाहेंगे, हमारे इंडियन आर्मी श्री कल्याण सर ने हमें इतने अच्छे तरीके से ये 200 मीटर की राइफल को रूबरू करवाया है और इन्होंने बताया कि एक अच्छे तरीके से हम इसको ऑपरेट भी कर सकते हैं, अच्छे से हम इसको यूज भी कर सकते हैं। ले भैया आ गई AK-47 जो कि हर नागरिक को पता होगा, राइफल AK-47 के बारे में, बच्चे बच्चे को पता होगा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि एक ही सब में जो है जगत राम सर इस चीज से रूबरू करवाएंगे। तो मिलिए जगत राम सर से हमारे, प्लीज सर कुछ बताइए हमारे ऑडियंस को, ये हमारे सर कुछ चीजें बताएंगे। 47 नाम है राइफल, ये किसके नाम पे बना हुआ सर? इसमें 47 का क्या मतलब है? 47 सर ये इसका जो वैज्ञानिक का नाम है मिखाइल क्रासनिकोविक, ये रशिया की बनी हुई है सर। रशिया की है? मिखाइल क्रासनिकोविक है, 1947 में ये बनी हुई है, इसलिए इसका नाम जो है। अच्छा, 47 से 47 ले लिया लास्ट के टू डिजिट। उस पर टीवी पे एक दिन आ रहा था उसकी क्वेश्चन, जी न्यूज पे। अच्छा, तो हमने जो है उसमें हम पता चले था, हम वो देख नहीं पाए कि उसने क्या बताया बाद में। अच्छा, मैं स्त्री आज सौभाग्य हमारी कि हम आपसे मिल करके जान गए। बिल्कुल बिल्कुल, और सबसे खुशी की बात कि आप इसके विषय में जान रहे हैं और हम लोगों जैसे अनाड़ियों को आप बता रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। 1948 में इसका मॉडिफाई करके ये बनाए। सर AK का मतलब क्या होता है बताएंगे क्या? ये जो AK-47 AK-47 मतलब तो हम समझ गए, AK का मतलब AK मतलब होता है ऑटोमेटिक, AK का मतलब क्लास डिको। अच्छा, ऑटोमेटिक क्लास डिको, क्लास डिको वैज्ञानिक का नाम। अच्छा, क्लास डिको वैज्ञानिक, क्लास डिको। अच्छा, क्लास डिको निकोब, क्लास निकोब, क्लास निकोब, मिखाइल क्लास निकोब, ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल। आप रहने वाले कहाँ? बलिया के? बलिया? अरे वाह रे वाह, मोटा बलिया बस्ती बहराई। अभी हम मेडिकल नगर से सर, 300 मीटर, और इसका रेंज 800 मीटर लगा है। रेंज का मतलब ये 800 मीटर तक खतरा कर सकती है, भेज सकता है दुश्मन को? नहीं, भेज नहीं सकती। 800 मीटर तक के उसको जख्म कर देगी, जो है मरने हालत में कर देगी, लेकिन ये 300 मीटर के नाते। सर एक बार इसको लोड करके दिखाएंगे क्या हमारे? देखिए सर, लोड करके दिखाएंगे हमारे ऑडियंस को एक बार। राउंड है इसको हायर करने के लिए, इसमें इसमें हमने राउंड भर दिया भारत के बाद इस तरह से। घर तेरे पास है? यहाँ से यहाँ की लंबाई 6 मीटर कहते हैं, इसकी लंबाई 414 इसकी लंबाई है। इसके बाद में बता दिया इसका साइक्लो रेट ऑफ फायर है 600 राउंड पर। ये बहराइच जो है नेपाल बॉर्डर के है? नहीं, बहराइच अम्बेडकर नगर वो तो है आपका, अकबरपुर अम्बेडकर नगर जलालपुर जो है, जलालपुर बस्कारी, बस्कारी मालीपुर। बिल्कुल सर, आप वैसे हैं क्या?